पब्लिक टीवी आपकी आवाज। फिर से नामांकन पर दाखिल किया गया है, किस पार्टी से है और क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी से बहन जी का आशीर्वाद लेते हुए इस लोकसभा 6 मुरादाबाद में आज हमने नामांकन कराया है और मुद्दों की बात जो है वो सब बता ही देंगे आगे आपको क्या क्या मुद्दे रहेंगे। इस बार मुकाबला किससे रहने वाला आपको? मुकाबले में कोई नहीं है, पिछली बार भी हमारे मुकाबले में कोई नहीं था, इस बार भी हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं। क्या मुद्दा रहेगा आपका चुनाव में? चुनाव में भाईचारे का ही मुद्दा है, भाईचारे के मुद्दे को लेके हम उतरेंगे। और आपने पहले भी यहाँ पे इन दोनों प्रत्याशियों को देख लिया है कि विकास के नाम पे ये लोग जीरो रहे हैं, तो आज आपके सामने लोकसभा 6 को बहन जी ने एक युवा दिया है जो बिल्कुल विकास भी करेगा और जो यहाँ दहशत का माहौल है वो भी ख़त्म करेगा, भाईचारे के माहौल को रहेगा। हैं, किस तरीके का दहशत का माहौल है? तो आप देख ही रहे हैं, दहशत का जैसा भी माहौल है हर तरीका थोड़ी होता है उसका। भाजपा के प्रत्याशी ने कहा है कि वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? पिछली बार भी उन्होंने यही बात कही थी कि हम 2 लाख से जीतेंगे, लेकिन शिकस्त उनके घर पे आज भी दस्तक दे रही है और पहले भी उनके घर पे भी 1 लाख वोटों की शिकस्त से वो हारे थे। दलित समाज और मुस्लिम समाज और सारे भाईचारे का समाज हमारे साथ एकजुट होके हम लोग फिर से 2 लाख वोटों से उन्हें हराने का प्रयास करेंगे। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी में विश्वास जताइए, सब समाज को साथ लेके चलना चाहती हैं बहन जी आपको, दलित समाज मुस्लिम समाज जो भी पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिए हमेशा शाना बशाना होके बहन जी हमेशा आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरा ये मैसेज दीजिए जनता में आवाम में जाकर कि बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ मजबूत होएगी तो बीजेपी को उखाड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है, बाकी और किसी के अंदर हिम्मत नहीं। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।